हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद पैशन। आज मैं आप सबके लिए भटूरे की रेसिपी लेके आई हूँ। भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदे की ज़रूरत होगी, तो मैंने यहाँ 1/2 kg मैदा ले लिया है। इसके लिए अब इस मैदे में हम चीनी डालेंगे। पहले मैं 1 teaspoon चीनी डाल रही हूँ इसमें। आपके पास जितना मैदा हो उसके अकॉर्डिंग आप डालिए। हाफ टी स्पून नमक और मैं लगभग 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास खाने वाला सोडा हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मेरे पास बेकिंग पाउडर था। और 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मैदे को गूंथ के हमें एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। इसे गूंथने के लिए मैंने गर्म पानी का यूज किया है। गर्म पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और मैदे को मिक्स करते जाएंगे। भटूरे का आटा जो है एकदम सॉफ्ट होता है, तभी भटूरा अच्छा फुला फुला बनेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम मिलाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितना गीला आटा तैयार किया है। एकदम आसानी से ये टूट जा रहा है। अब इसको कम से कम 4 से 5 मिनट बहुत अच्छे से हमें मसल के एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। एकदम चिकना हो जाएगा ये। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाइए अगर हाथ में ये चिपक रहा है तो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आटा कितना चिकना हुआ है। अभी हाथ में भी नहीं चिपक रहा है। अब इसको एक हम सुंदर सी लोई बना लेंगे और इसके ऊपर हाथ में हम रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और इसके चारों तरफ हम लगा देंगे अच्छे से। चारों तरफ लगा दीजिए रिफाइंड ऑयल। अब इस आटे को हम किसी बर्तन में रख के गर्म स्थान पर रख देंगे करीब 4 से 5 घंटे के लिए, जैसे कि अच्छे से ये फूल जाए। मैं तो पूरी रात के लिए रख देती हूँ। अगर मुझे सुबह बनाना है तो मैं शाम को ये आटा तैयार कर देती हूँ। अगर शाम को बनाना है तो मैं सुबह में आटा तैयार कर देती हूँ। अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट ऐसे लगा देंगे। अगर आपके पास हो तो उसको लगाइए। मैंने ये प्लास्टिक की जो पन्नी होती है उसको लगाया है। फिर ऊपर से किसी बर्तन से इसको ढक देंगे अच्छे से और किसी गर्म जगह पे रख देंगे। सुबह में आप देख सकते हैं कि आटा कितना अच्छे से फूल चुका है। साइज में भी ये अपना बढ़ गया है। और इससे हम भटूरे बनाएंगे। इससे भटूरे बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम भटूरे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक हम लोई लेंगे, रोटी की लोई से थोड़ी सी बड़ी। इस तरह से उसको हम गोल कर लेंगे। इसको बेलने के लिए हम सूखे आटे का यूज नहीं करेंगे, हम तेल का यूज करेंगे। मैंने कटोरी में रिफाइन ऑयल लिया है और थोड़ा सा लोई में हमने लगा लिया है। अब इससे हम भटूरे बेलेंगे। आपको भटूरे को हाथ से घुमाना होगा क्योंकि ऑयल लगा हुआ है तो ये अपने आप नहीं घूमेगा। इस तरह से आप भटूरे को बेल लीजिए। थोड़ा सा लंबा बेला जाता है भटूरा।
इसको बहुत पतला नहीं करना है, ना ही मोटा, मीडियम रखना है। रोटी से थोड़ी सा मोटा ही रखना है इसको, बहुत पतला हुआ तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं। अब इधर हम तेल अच्छे से गरम कर लेंगे कढ़ाई में, और इसमें भटूरे को डाल देंगे। और डालने के बाद इसको हम जो है पलटे से हल्का हल्का दबाते रहेंगे, जिससे कि अच्छे से फूल जाएगा। आप देख सकते हैं भटूरा बहुत अच्छे से फूल गया है। एक साइड जब सीख जाएगा 30 से 40 सेकेंड में, तब इसको हम पलट लेंगे। और दूसरे साइड को हम चारों ओर से घुमाते हुए और दबाते हुए इसको भी हम पका लेंगे, अच्छे से सेक लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। अगर आप इसको घुमाएंगे नहीं चारों तरफ तो नीचे अच्छे से सेक जाएगा और किनारे जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसको अच्छे से तेल में डुबा डुबा को आप सेक लीजिए। अब दूसरे साइड हम चेक कर लेते हैं, दूसरे साइड भी अच्छे से सिक गया है, देख सकते हैं आप। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे भटूरे बन के तैयार हैं, और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं एकदम से खुले खुले। आप इसको छोले के साथ एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद